और हमारे साथ हैं जलाल महमूद शाह जो कि अहम रहनुमा हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के। आप क्या कहेंगे जलाल महमूद शाह साहब, आपने भी ये फैसला देखा? मैं समझता हूं कि ये खुशाइंदा बात है और पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे फैसला किया है, वरना तो टेन्यूअर गुजर जाते हैं उसके बाद कोई इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी भी उसके बाद फैसला करती है। तो लेकिन असल में ये क्वेश्चन उठ गया है, सवाल उठ गया है कि आइंदा होने वाले जनरल इलेक्शन इस माहौल में इस इंतजामिया के मातहत आजादाना हो सकते हैं या नहीं। ये यकीनन नहीं हो सकते, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ है कि 20वीं तरमीम बुनियादी तौर पे इस सारे इलेक्शन के काम के बाद उसकी ये शक्ल बनी है कि वो जैसे इरेलीवेंट बन गई है, वो जैसे लग रहा है कि इस 20वीं तरमीम के तहत आजादाना इलेक्शन नहीं हो सकते।